विजु स्वास्थ्य कल्याण योजन कौन मिलूला आयुष्मान योजन कौन मिल विजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड रे हिताधिकारी समस्त चिकित्सा खर्च राज्य सरकार निजस्व पांठि बहन करुथिले किंतु आयुष्मान योजन प्रथमे रोगी निज हाथ खर्च बहन करिबे एवं परे बीमा कंपनी टंका फेरस्त पाइबे तबे केते दिन मध्ये टंका फेरस्त पाइबे सेथिरे कोनोसी स्पष्टता नाही। आयुष्मान योजन हिताधिकारी परिवार पाई अति बेसी 5 लाख टंका पर्यंत चिकित्सा सुविधा थिबा बेले बीएसकेवाई कार्ड रे पुरुष सदस्यों पर 5 लाख और महिला सदस्यों पर 10 लाख टंका चिकित्सा सुविधा रही। बीएसकेवाई में समस्त प्रकार मेडिकल टेस्ट एवं फॉलोअप कंसल्टेशन व्यवस्था रही बेले सुविधा आयुष्मान योजन किंतु ना आयुष्मान योजना इन्सुरांस आधार में कार्यक्षम होउथिबारु अनेक समय घर हॉस्पिटल देय पाइबा विलंब होता है जो हिताधिकारी भर्ती करने मना कर हॉस्पिटल किंतु बीएसकेवाई रे सरकार निजस्व पांठि देय प्रदान करुथिबारु घर हॉस्पिटल रोगी को आडमिट करने द्विधा प्रकाश करती ना। राज्यर प्राय 96,50,000 लोक बीएसकेवाई माध्यम रे मागणा चिकित्सा सुविधा पाई एणसी वयस सीमा ना आयुष्मान योजन राज्य केते हिताधिकारी को तालिकार सामिल होने संदेह रही। आयुष्मान योजन 70 वर्ष रु अधिक लोक सुविधा मिल ना से नहीं किसी स्पष्टता ना क्यों आधार यह निर्धारण होगा स्पष्ट करवाई कौन बयस सीमा ना बीएसकेवाई लागू होगापर राज्यर मुंडपिछा निजस्व चिकित्सा खर्च में उल्लेखनीय ह्रास घटी किंतु आयुष्मान योजना लागू होता राज्य बढ़ी लोकों चिकित्सा खर्च यही तथ्य स्पष्ट प्रतीयमान हो नवीन सरकार द्वारा निया विभिन्न पदक्षेप जो स्वास्थ्य क्षेत्र में ओडिशा अनेक बीजेपी शासित राज्य भल स्थित रही राज्यवासी आशीर्वाद सदृश रही बीएसकेवाई रूपरेख पर तार उपदेयता को कदर्थ कराऊ स्वास्थ्यमंत्री दे मंतव्य अनुजाई राज्य सरकार प्राय 67 लाख लोक आयुष्मान योजन सामिल करेंगे और प्राय 33 लाख लोक बीएसकेवाई परिवर्तित नाम गोपबंधु स्वास्थ्य योजन सामिल होठारखुजे राज्यर प्राय 1 कोटी परिवार बीएसकेवाई माध्यम चिकित्सा सुविधा पाते तबे क्यों आधार परिवार वर्गों को आयुष्मान और बीएसकेवाई योजन सामिल होा राज्य सरकार स्पष्ट करने दरकार।